नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 29 जनवरी दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कुमार समेत 8 मंत्री को पद के लिए राज्यपाल ने दिलाई शपथ। नीतीश कुमार के पाला बदलने पर तेजस्वी की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। फसल विविधीकरण योजना के लिए करे आवेदन। दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर होंगे पंकज त्रिपाठी। आधार कार्ड और पैन कार्ड खो जाने पर करेंगे काम। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने ग्रेजुएट ट्रेनी के पदों पर निकाली भर्ती। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पदों पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल समेत कई विभागों में 40 पदों पर निकली है। आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 फरवरी 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.hindustancopper.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पात्रता की बात करें तो उन्हें जरूरी है कि उन्होंने संबंधित ट्रेड में 60% अंक के साथ अपनी बैचलर की डिग्री हासिल की हो। वहीं आरक्षित वर्ग के लिए यह 55% अंक ही निर्धारित किए गए हैं। यदि इसके आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्गों को इसमें छूट दिए जाएंगे। नीतीश कुमार समेत 8 मंत्री को पद के लिए राज्यपाल ने दिलाई शपथ। बिहार में अब एनडीए की सरकार बन चुकी है। बीते ही दिन देर शाम सीएम नीतीश कुमार ने सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण किया है। साथ ही विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी प्रदेश के 2 नए डिप्टी सीएम बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं। बता दें कि यह शपथ ग्रहण का समारोह बीते शाम राजभवन में हुआ, जहां नीतीश कुमार समेत 8 मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर द्वारा दिलवाई गई है। इन मंत्रियों में विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, प्रेम कुमार, श्रवण कुमार, संतोष सुमन, सुमित कुमार का नाम शामिल है। इस दौरान भाजपा के भी कई बड़े नेता मौजूद दिखे। नीतीश कुमार के पाला बदलने पर तेजस्वी की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। महागठबंधन की सरकार टूटने के बाद तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी यादव द्वारा कहा गया है कि नीतीश कुमार के पलटी मारने से खेल खत्म नहीं हुआ है, खेल अभी बाकी है, इंतजार करिए और आगे क्या होगा। आगे उन्होंने कहा कि हमने एक थके हुए बिना विजन के सीएम को धक्का देकर काम करवाया था, अब आगे देखिए कि क्या होता है। उन्होंने बताया कि लिखकर ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड नाम की पार्टी 2024 में खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार के पाला बदलने से हम निराश और नाराज नहीं है, हम संयम बरतेंगे, हम जनता के पास जाएंगे, जनता हमारे साथ है। हमने बड़े संयम से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन धर्म का पालन किया था। हम कुछ उद्देश्य को लेकर नीतीश कुमार के साथ गए थे, मैंने उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार ने खत्म कर दी। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे मुचलिंडा सरोवर के बारे में। यह सरोवर बिहार के बोधगया में स्थित है। यही वो स्थान है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद लगातार 6ठा सप्ताह ध्यान में बिताया था। प्रचलित कहानियों के मुताबिक जब गौतम बुद्ध ध्यान लगा रहे थे तब यहां तेज आंधी और बारिश आई थी। इस दौरान गौतम बुद्ध को भींगता हुआ देख यहां के झील से सर्प राजा मुचलिंदा अपने निवास से बाहर आए और बारिश से बुद्ध की रक्षा की थी। इस सरोवर को लोग लोटस पॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। यहां पर आपको भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा में स्थापित मूर्ति भी देखने को मिलेगी। यहां का वातावरण बेहद ही शांत है, आप यहां अपना अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। फसल विविधीकरण योजना के लिए करे आवेदन। फसल विविधीकरण योजना को लेकर आवेदन शुरू है। इस संबंध में आईपीआरडी बिहार द्वारा भी पोस्ट शेयर कर जानकारी दी गई है। इच्छुक किसान यदि इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वे horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय के आधिकारिक वेबसाइट पर या आईपीआरडी बिहार के ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं या जिला के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं। इस योजना के तहत लाभुकों को सुगंधित और औषधीय पौधों के क्षेत्र विस्तार के लिए न्यूनतम 0.01 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर रकबा के लिए योजना का लाभ दिया जाएगा। ओवैसी ने नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव, नीतीश पर लगाया ये आरोप। नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार को तोड़ दिया है और अब एनडीए के साथ सरकार बना ली है। इसे लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझ पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाते थे, अब क्या कर रहे हैं नीतीश, उन्होंने मौका परस्ती का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और लालू प्रसाद यादव को भी अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अब तेजस्वी बताएं कैसा लग रहा है। वह दिन याद होगा जब राजद ने हमारे 4 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया था। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी तीनों को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने विश्वासघात किया है। यह सभी नेता जिस आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे उससे पीछे हट गए हैं, जो जनता के साथ धोखा है। बिहार में शराब तस्करों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाई जा रही ये मुहिम।
बिहार में शराबबंदी को सख्त से लागू करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है, लेकिन बावजूद उसके आए दिन शराब तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में इन शराब तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए एक नई योजना बनाई जा रही। इस योजना के तहत खुफिया तंत्र की मदद से इन सब शराब तस्करों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इस कार्रवाई के तहत तस्करों के अवैध संपत्ति को जब्त करने की पहल भी की जाने वाली है। अब ईडी को यह प्रस्ताव उन शराब तस्करों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत भेजा जाएगा। मद्य निषेध इकाई की इसमें अहम भूमिका रहने वाली है, जहां हाल में ही पकड़ी गई शराब की बड़ी खेप की सप्लाई करने वालों का नेटवर्थ मद्य निषेध इकाई खंगालने का काम कर रही। साथ ही इनकी क्षेत्रवार सूची तैयार भी की जा रही है। साल 2023 में मद्य निषेध इकाई द्वारा 73 तस्करों को दूसरे राज्य से गिरफ्तार किया गया है। जिन राज्यों में ये तस्कर गिरफ्तार हुए उनमें झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान, असम और उत्तराखंड शामिल है। दूसरे राज्यों से बिहार में शराब तस्करी करने वालों के नेटवर्क को खत्म करने की मुहिम तेजी से चलाई जा रही है। नीतीश कुमार के नीतियों को नहीं बदला तो चिराग करेंगे विरोध। नीतीश कुमार ने इन नीतियों को नहीं बदला तो चिराग पासवान करेंगे विरोध। महागठबंधन की सरकार टूटने के बाद जदयू बीजेपी के साथ हो गई है और बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। अब इसी को लेकर एनडीए के एक सहयोगी दल लोजपा और उसके प्रमुख चिराग पासवान ने खुली चेतावनी दे डाली। चिराग पासवान द्वारा कहा गया है कि अगर नीतीश कुमार की नीतियां नहीं बदली तो हमारा उनसे विरोध जारी रहेगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मेरी नीतीश कुमार से कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारा विरोध नीतीश कुमार की नीतियों से था। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि नई सरकार में नीतीश कुमार की नीतियां बदलेंगी। अगर उनकी नीतियां नहीं बदली तो लोजपा का विरोध जारी रहेगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड खो जाने पर करें ये काम। हमारे देश में आधार कार्ड और पैन कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। पैन कार्ड से जहां कई वित्तीय लेनदेन संभव हो पाते हैं, वही आधार कार्ड भी पहचान पत्र के लिए कई योजना और अन्य जगह काम आते हैं। लेकिन क्या हो यदि आधार कार्ड और पैन कार्ड ही खो जाए? इसके खो जाने पर आप इसके डुप्लीकेट कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या ये डुप्लीकेट कॉपी वैलिड भी होते हैं या नहीं, इसे लेकर हमारे अंदर संशय बना रहता है। लेकिन आपको बता दें कि डुप्लीकेट कॉपी पहले वाले दस्तावेजों की ही तरह काम करते हैं। इसे बनवाने के लिए आपको संबंधित कार्यालय या वेबसाइट पर जाना होगा और वहां जाकर कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करके और कुछ शुल्क देकर आप इसे बनवा सकते हैं। बता दें कि आधार कार्ड के लिए आप UIDAI के आधिकारिक वेबसाइट और पैन कार्ड के लिए आप www.tinsdl.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे ऐश्वर्य निगम के बारे में। ऐश्वर्य निगम एक भारतीय पार्श्व गायक है जो कि हिंदी सिनेमा में अपनी बेहतरीन गायकी के लिए जाने जाते हैं। ऐश्वर्य हिंदी फिल्म दबंग में मुन्नी बदनाम हुई के लिए कई अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। इनके करियर की शुरुआत म्यूजिक रियलिटी शो सारे गामा से हुई थी। वर्ष 2006 में प्रसारित होने वाले शो में उन्होंने बतौर प्रतिभागी शिरकत की थी और शो के विजेता भी बने। इसके बाद ऐश्वर्य जो जीता वही सुपरस्टार में नजर आए थे। ऐश्वर्य NDTV के शो कितनी मोहब्बत के टाइटल ट्रैक में भी अपनी आवाज दे चुके हैं। अब वह तक हिंदी सिनेमा के कई बेहतरीन सिंगर्स के साथ भी काम कर चुके हैं, जिनमें ललित पंडित, अनु मलिक, प्रीतम साजिद, वाजिद, समीर टंडन शामिल हैं। ऐश्वर्य हिंदी सिनेमा में दबंग के हिट गीत मुन्नी बदनाम हुई के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा ऐश्वर्य फरारी की सवारी, बेसर में कुछ कुछ लोचा है आदि में अपनी गायकी का हुनर बिखेर चुके हैं। नीतीश के पलटी मारने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश का आया बयान। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के पलटी मारने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पूर्णिया में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि नीतीश कुमार समाजवाद का चोला ओढ़कर अवसरवादी की राजनीति करते हैं। आज उनके कारनामे से बिहार शर्मसार है, बच्चा बच्चा उन पर कमेंट कर रहा। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद ने उन्हें इज्जत देने का काम किया था, लेकिन वह सांप्रदायिकता की गोद में फिर से चले गए हैं। जो नीतीश कुमार कहते थे कि मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, आज फिर से वह सांप्रदायिक ताकत की गोद में चले गए हैं। वही इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि उन्हें इंडिया गठबंधन या संयोजक कांग्रेस बनाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने खुद इस पद को ठुकरा दिया था। आने वाले दिनों में बिहार की जनता उन्हें इसका जवाब देगी। दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर होंगे पंकज त्रिपाठी। 1 फरवरी से दुनिया के सबसे बड़े नाट्य महोत्सव भारंगम का आयोजन होने जा रहा है। बता दें कि देश के 15 शहरों में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का यह वार्षिक उत्सव आयोजित होने जा रहा। यह उत्सव 21 फरवरी तक चलेगा। मिली जानकारी के मुताबिक यह भारत रंग महोत्सव दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को इस नाट्य महोत्सव भारंगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
इसमें देश दुनिया के 150 से भी अधिक नाटक खेले जाने वाले हैं। इस आयोजन को लेकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक चित्रंजन त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि 1999 से शुरू हुआ भारंगम का सफर 25वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इस बार भारंगम का उद्घाटन समारोह मुंबई में होगा। आगे उन्होंने बताया कि समारोह में आशुतोष राणा के नाटक हमारे राम का मंचन किया जाएगा। वहीं दिल्ली में समारोह का समापन समुद्र मंथन से होगा। सीएम नीतीश और एनडीए की सरकार बनने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही प्रधानमंत्री मोदी की प्रक्रिया सामने आई है। दरअसल पीएम मोदी ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार को बधाई दी है, साथ ही खुशी भी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इस संबंध में ट्वीट भी किया। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मेरी बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि यह टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिवारजनों की सेवा करेगी। पीएम मोदी के इन शुभकामनाओं के बाद सीएम नीतीश ने भी आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके द्वारा दी गई बधाई और शुभकामना के लिए अपनी तरफ से और समस्त बिहार वासियों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं और उनके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रदेश के अधिकतर जिलों में आज शीतलहर की संभावना। प्रदेश के अधिकतर भागों में बर्फीली हवा और उत्तर पछुआ हवा देखने को मिली। आज प्रदेश में खास तौर पर शीतलहर की स्थिति रहने वाली है। प्रदेश के कई जिलों में ठंड और शीतलहर को देखकर चेतावनी दी गई है। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में कुहासा तो कहीं गुनगुनी धूप भी देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि जनवरी खत्म होते ही सर्दी में कमी देखने को मिले। मौसम विभाग द्वारा बताया गया कि आज का मौसम शुष्क रहने वाला है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में आज का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री और 18 से 20 डिग्री तक रहने वाला है। वहीं प्रदेश का न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री तक रहने वाला है। तेज हवा के कारण कपकपी का आलम देखने को मिल सकता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत आज किशनगंज पहुंचेंगे राहुल गांधी। बिहार में सत्ता पलट के बाद आज राहुल गांधी की यात्रा बिहार में प्रवेश करने वाली है। कांग्रेस के इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सीमांचल में कई पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। कांग्रेस के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के स्वागत को लेकर कई तैयारियां कर रहे हैं। यह यात्रा किशनगंज के बाद अररिया में प्रवेश करेगी। मिली जानकारी के अनुसार अपने इस यात्रा के तहत यादव कॉलेज में राहुल गांधी अपने रात्रि विश्राम के लिए रुकने वाले हैं। अब इस संबंध में जिला प्रवक्ता शशि भूषण द्वारा बताया गया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिन के 3 बजे के करीब शहर के 0 माइल पहुंचेगी। वहां से संभवतः वह पैदल सड़क मार्ग होते हुए अस्पताल रोड, चांदनी चौक और काली मंदिर पहुंचेंगे, जहां वे काली मंदिर में मां का दर्शन करेंगे। सीमांचल दौरा के दौरान राहुल गांधी की पूर्णिया में एक रैली भी आयोजित होगी। जदयू नेता ने इन 3 नेताओं को बताया राजद जदयू के गठबंधन के टूटने की वजह। अब से बिहार में एनडीए की सरकार सत्ता संभालने वाली है। अब इसी बीच जदयू के प्रदेश महासचिव निखिल मंडल ने उन नेताओं के नाम गिनवाए हैं जिस वजह से सत्ता परिवर्तन का फैसला लिया गया। निखिल मंडल ने इस दौरान 3 नेताओं के नाम लिए हैं जिनकी वजह से लालू और नीतीश के बीच दूरियां बढ़ी। उन्होंने सबसे पहला नाम बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का लिया है, जो लगातार अपने विवादित बयानबाजी को लेकर चर्चा में देखने को मिल रहे थे। वहीं दूसरे नंबर पर राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई और राजद के MLC सुनील कुमार सिंह का नाम सामने आया है, जो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे थे। वहीं तीसरे नंबर पर निखिल मंडल ने राजद विधायक सुधाकर सिंह का नाम लिया है। सुधाकर सिंह को महागठबंधन की सरकार में कृषि मंत्री का पद सौंपा गया था, लेकिन बावजूद इसके वह लगातार नीतीश कुमार और उनकी योजनाओं के खिलाफ बोलते नजर आ रहे थे। IG शिवदीप लांडे के आदेश पर शिवहर से 20 दरोगा का इन जिलों में हुआ ट्रांसफर। बिहार में इन दिनों लगातार पुलिस प्रशासन में तबादला देखने को मिल रहा। अब इसी बीच शिवहर जिले में भी 20 दरोगा के तबादले की खबर सामने आई है। यह तबादला तिरहुत रेंज के IG शिवदीप लांडे के आदेश पर किया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह तबादला का निर्णय लिया गया है। शिवहर से जिन दरोगाओं का तबादला दूसरे जिले में किया गया है उसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली शामिल है। इनमें सुरजन प्रसाद, जितेंद्र महतो, संतोष कुमार, इकरार खान, विश्वनाथ सिंह और उमा शंकर सिंह, इन सभी का ट्रांसफर मुजफ्फरपुर में किया गया है। वहीं वैशाली में सुनील कुमार सिंह, संजय कुमार राय, चंदन कुमार, आशीष कुमार, कुणाल कुमार, जयनाथ प्रसाद और पुरुषोत्तम कुमार का ट्रांसफर किया गया है। बात करें सीतामढ़ी की तो यहाँ कालावती कुमारी, जितेंद्र कुमार, मनोज कुमार सिंह, अभय कुमार, गजेंद्र प्रसाद यादव, पुनित कुमार, उमेश कुमार रजक को ट्रांसफर मिला है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद सम्राट चौधरी और सुशील मोदी का बयान आया सामने। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सम्राट चौधरी ने ट्वीट के जरिए कहा है कि आज मैंने बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री के रूप में पद व गोपनीयता की शपथ ली है। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी एवं
गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार प्रकट करता हूं। वहीं बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने को लेकर सुशील मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनने के साथ ही बिहार को 15 महीने के राहु काल से मुक्ति मिली है और 2020 जनादेश का सम्मान हुआ है। आगे उन्होंने आशा प्रकट करते हुए कहा कि भाजपा की सकारात्मक संगत में लौटकर नीतीश कुमार 2005 की तरह सुशासन के नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। डबल इंजन की सरकार से विकास को गति मिलेगी। महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स का बदला बायो। बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरते ही तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पे अपने बायो को चेंज कर दिया है। उन्होंने ट्विटर के अपने आधिकारिक हैंडल पर डिप्टी सीएम ऑफ बिहार से एक्स डिप्टी सीएम ऑफ बिहार कर लिया है। सरकार बदलने पर इसमें पहले तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार को लेकर कहा गया था कि नीतीश कुमार पहले भी आदरणीय थे, आज भी है। उन्होंने कहा कि उनके जो विधायक हैं वो 45 हैं, हम क्यों नहीं क्रेडिट लें। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पहले कहते थे कि नौकरी देना संभव नहीं है, उनसे एक हफ्ते के अंदर बुलवाने का काम किया, साथ ही स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई, 70 दिन के अंदर 2 लाख से अधिक नौकरी दी, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम नीतीश की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। महागठबंधन से नाता तोड़कर सीएम नीतीश ने मुख्यमंत्री पद के लिए बीते ही दिन देर शाम शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम नीतीश मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के साथ हम पहले भी थे और आज भी हैं। हम विकास को आगे बढ़ाएंगे, हम बिहार के हित में काम करते रहेंगे, बिहार में बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ पहले भी थे, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए दूसरे के साथ चले गए थे, अब फिर से वहीं आ गए हैं। मेरे साथ 2 डिप्टी सीएम बने हैं। आगे उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि अब इधर उधर नहीं जाना है। पहले टेस्ट मैच में भारत की हैरान कर देने वाली हार। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में भारत को 28 रन से हरा दिया है। इस मैच में शुरुआत तक भारतीय टीम मजबूत स्थिति में थी, लेकिन आखिरी मौके पर इंग्लैंड ने कमाल किया और मुकाबला अपने नाम किया है। इंग्लैंड ने 190 रन से पिछड़ने के बाद यह मुकाबला जीता है। इंग्लैंड की इस ऐतिहासिक जीत में सूत्रधार रहे ओली पॉप, जिन्होंने दूसरी पारी में 196 रन बनाए, और टॉम हार्टले, जिन्होंने दूसरी पारी में 7 विकेट लिए। अपने घर में भारतीय टीम आखिरी टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ ही हारी थी। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और पहली पारी में 246 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने 436 रन बनाकर 190 रन की बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 420 रन बनाए और भारत के सामने 231 रन का लक्ष्य रखा, इसके जवाब में टीम इंडिया 202 रन पर सिमट गई और मैच हार गई। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। मुगल साम्राज्य वंश के संस्थापक बाबर ने 1528 में मेवाड़ के राजा राणा सांगा को हराकर चंदेरी के किले पर कब्जा किया था। देश के पहले समाचार पत्र हिक्की गजट या बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर का कोलकाता में 1780 में प्रकाशन आरंभ हुआ था। भारत की सबसे पहली और 2 इंजन वाली जम्बो ट्रेन तमिलनाडु एक्सप्रेस को 29 जनवरी 1979 में नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर मद्रास रवाना किया गया था। भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय सहयोगी बना था। क्रिकेटर विनोद कांबली का 1993 में टेस्ट में पदार्पण हुआ था। भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 को 1994 में रद्द किया था। आज के भारत के तेज गेंदबाज इरफान पठान 2006 में टेस्ट क्रिकेट में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी 2007 में जमीन जैक्सन को हरा कर लंदन के चैनल 4 के रियलिटी शो में बिग ब्रदर चैंपियन बनी थी। आज के दिन को बीटिंग द रिट्रीट के रूप में मनाया जाता है। ठंड में इमर्सन रॉड के इस्तेमाल के समय इन बातों का रखें ख्याल। अक्सर हम सर्दियों के मौसम में पानी गर्म करने के लिए इमर्सन रॉड का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार इसे गलत तरीके से प्रयोग करना भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बिजली का झटका लग सकता है, इसलिए कई बार इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। इसमें सबसे जरूरी चीज है कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो प्लास्टिक की बाल्टी में ही करें। जब भी इमर्सन रॉड को चालू कर रहे हैं तो इसे पानी में डुबोकर ही चालू करें। इसे ज्यादा देर तक चालू रखना भी खतरनाक साबित हो सकता है। जब भी रॉड पानी में है, भूल कर भी उसमें हाथ ना डालें। साथ ही इमर्सन रॉड को खरीदते वक्त अच्छी गुणवत्ता के साथ ही उसे खरीदें। साथ ही इसे बच्चों से दूर रखने की भी कोशिश करें। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप होने वाले अनहोनी से बच सकते हैं। एलन मस्क को पछाड़ कर ये शख्स बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। आपने दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एलन मस्क का नाम तो सुना ही होगा।
ये टेस्ला से लेकर स्टारलिंक और एक्स के मालिक हैं, लेकिन इन दिनों टेस्ला के शेयर में भारी गिरावट के बाद एलन मस्क के संपत्ति में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर शख्स फ्रांस के कारोबारी और लग्जरी ब्रांड लुई विटन के मालिक बर्नार्ड अर्नॉट बन चुके हैं। दरअसल इस बात की जानकारी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स के जरिए मिली है। इसके मुताबिक बर्नार्ड अर्नॉट के नेटवर्थ 207.6 बिलियन डॉलर के आसपास में आ गई है। वहीं एलन मस्क की संपत्ति लगभग 204.7 बिलियन डॉलर के करीब में आ गई है। वहीं फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में एशिया और भारत के सबसे अमीर शख्स में मुकेश अंबानी का नाम सामने आया है। इनकी नेटवर्थ 104.4 बिलियन डॉलर के करीब में है। इसके अलावा 16वें नंबर पर गौतम अडानी बने हुए हैं, जो भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आज पीएम मोदी बोर्ड के छात्रों से करेंगे परीक्षा पे चर्चा। आज भारत मंडपम ITPO प्रगति मैदान नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के दौरान पीएम मोदी बोर्ड की परीक्षा देने वाले बच्चों से बातचीत करेंगे, साथ ही उन्हें तनाव मुक्त रहने के मंत्र भी देंगे। इस कार्यक्रम को लेकर 2 करोड़ से भी अधिक छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। बता दें कि यह परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण आयोजित होने जा रहा, जहां आप चाहे तो इस कार्यक्रम को लाइव भी देख सकते हैं। इसका लाइव प्रसारण दूरदर्शन के DD नेशनल और DD न्यूज पर किया जाएगा। इसके अलावा आप पीएम मोदी के आधिकारिक एक्स अकाउंट और माई गवर्नमेंट पोर्टल शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भी देख सकते हैं। साथ ही इसे आप ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर भी सुन सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे, जो BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए है पद्म भूषण, ऑप्शन बी है पद्म विभूषण, ऑप्शन सी है पद्मश्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पद्म विभूषण। हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है 22 जनवरी, ऑप्शन बी है 24 जनवरी, ऑप्शन सी है 27 जनवरी, ऑप्शन डी है 28 जनवरी। इसका सही उत्तर है 27 जनवरी। भारत की पहली महिला महावत पर्वती बरुआ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए है पद्मश्री, ऑप्शन बी है पद्म विभूषण, ऑप्शन सी है भारत रत्न, ऑप्शन डी है पद्म भूषण। इसका सही उत्तर है पद्मश्री। बिहार में मॉनसून कहां से आता है? ऑप्शन ए है अरब सागर, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी। 6वीं सदी में विश्व की पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था कहां थी? ऑप्शन ए है बोधगया, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है नालंदा। इसका सही उत्तर है वैशाली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है समित यादव, राहुल कुमार, अरशद अंसारी, विकास दास, रवि कुमार राज, रंजीत मिश्रा, हलेश्वर कुमार, राजेश कुमार, प्रहलाद कुमार, सादुल्ला पालवी, राजकिशोर महतो, कौशलेंद्र कुमार यादव, कोनर शर्मा, रिया रानी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अनुसार बिहार में गठबंधन टूटने की क्या वजह हो सकती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।